चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये गैस गीजर है। गैस गीजर में यहाँ एक रिले लगी होती है। इस रिले के अंदर ये तीन तार लगे होते हैं। मैं आपको नजदीक से दिखाऊं। इस रिले में ये तीन तार लगे होते हैं। इन तीनों तार का क्या काम है? और वैसे आमतौर पे देखा जाए तो रिले में दो ही तार होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें तीन तार दिए हुए हैं। इसकी आज पूरी जानकारी लेंगे। मैं इस रिले को पहले से खोल रखा है, मैं बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपको इसकी डिटेल बताता हूँ ये कैसे काम करती है। ये गैस गीजर से रिले मैंने खोल लिया है। अब आपको इन तीनों तारों का बताऊंगा अभी क्या क्या काम है। और ये रिले होती है, इसमें क्या होता है कि दो वाइंडिंग होती है, इसमें दो वाइंडिंग होती है। अब मैं आपको एक रिले मेरी है उसको मैंने खोल लिया है, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें जो ये नीचे लगी हुई है, इस प्रकार इसमें वाइंडिंग होती है। ये मैंने खोल रखी है ये डब्बी, इसके अंदर यहाँ लगी होती है इस प्रकार से। ये इसमें दो वाइंडिंग होती है। ये पहली वाइंडिंग ये है, पहले एक तार से इसके ऊपर क्या करते हैं, यूं इसको टर्न देके और इसकी तार यहाँ बाहर निकाल लेते हैं। ये दो तार जो पहली निकली है, एक स्टार्टिंग और एक एंड तार है। और जो स्टार्टिंग तार है, दूसरी जो वाइंडिंग इसके ऊपर की जाती है, जो अपने स्टार्टिंग पहले यहाँ जो अपने पहले स्टार्ट किया है जैसे राउंड लेने, तो पहली जो क्वाइल की जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है उसके साथ, ये मैंने इसके ऊपर से इसकी दूसरी जो वाइंडिंग थी वो मैंने उतार ली। ये पतले तार की वाइंडिंग होती है, इतना पतला तार होता है ये, मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसके ऊपर से उतार ली थी। ये जो तार होता है इसकी वाइंडिंग करती हैं, तो अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें जो स्टार्ट की थी कॉइल, तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के साथ ये तार ऐसे यहाँ ज्वाइंट कर लिया जाता है इस प्रकार। और ज्वाइंट करके फिर इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, ऐसे इस प्रकार यूं वाइंडिंग की जाती है। इसके टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी जो ये तार वाइंडिंग होने के बाद, ये तार इस जगह जो मैंने आपको तीसरी तार दिखाई थी, तीसरी तार, एक तो ये मोटे तार वाली वाइंडिंग आ गई, दूसरी मैंने इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ये पतला तार जोड़ के दूसरी वाइंडिंग की, तो इसका जो पतली तार का जो एंड तार एंड सिरा है वो मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया। ये तीसरी तार हो गई। अब ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब मैं आपको इसको सर्किट डायग्राम से बताता हूँ कि इसको कैसे होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे सर्किट डायग्राम में बताऊं तो इसमें क्या होता है, दो सेल लगे होते हैं। सेल जैसे ये मान लो ये आपकी बैटरी लगी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे पॉजिटिव से और नेगेटिव से ये क्वाइल जुड़ी होती है। उसके तीन तार कैसे जुड़े होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें दो वाइंडिंग होती है, जो ये मोटे तार की मैंने वाइंडिंग बताई है। मोटे तार की वाइंडिंग जहां से अपने वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, ये वाइंडिंग मैंने यहां से स्टार्ट करी, ये क्वाइल आ गई और ये इसका एंड सिरा आ गया इस क्वाइल का। और दूसरी जो ऊपर पतले तार की, ये मोटे तार की है। और दूसरी जो मैंने पतले तार से की है, वो वाइंडिंग मैंने क्या किया, यहां इस पॉइंट पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट पे मैंने ये पतला तार जोड़ दिया। यहां जोड़ के फिर ये वाइंडिंग दोबारा मैंने चालू कर दी। ये जो वाइंडिंग आई है ये पतले तार की वाइंडिंग है। अब ऊपर ये दो तार निकल गए, इसमें मैंने अब आपको तीन तार दिखाए हैं। इसमें तीन तार आप देखोगे तो एक तार ब्लैक है, एक बीच वाला रेड है और फिर ये एक येलो है। मैं यहाँ तीनों तार आपको लिख लेता हूँ। ये जो ब्लैक तार है ये ब्लैक है, इसको मैं ब्लैक लिख देता हूँ। ये ब्लैक तार है, ये बैटरी के जो नेगेटिव पॉइंट है उससे आपकी कनेक्ट होती है। ये बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट हो गई। और जो पॉजिटिव पॉइंट से यहाँ कनेक्ट होती है एक तार, तो आपकी पॉजिटिव तार से, ये जो आपकी रेड तार मैंने दिखाई है, इसमें रेड तार जो बीच में है वो ये रेड तार है, इसको मैं रेड लिख देता हूँ। ये आपकी रेड तार है। और इसी बैटरी से एक तार ये निकल के, ये जो मैंने आपको येलो की तार दिखाई है, येलो उसमें कनेक्ट हो जाती है इस प्रकार। ये कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से, दोनों तार निकलती है। ये 3 वोल्ट की आपकी बैटरी है, दो सेल लगे होते हैं, 3 वोल्ट हो जाती है दो सेलों की। तो
इससे ये रेड वाली तार इस कॉइल से कनेक्ट है और दूसरी जो येलो वाली तार है वो इस कॉइल से कनेक्ट है। अब और नीचे ये ग्राउंड, ये जो अपना नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट से ये ब्लैक तार ज्वाइंट है। अब इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी टेस्ट कैसे अपने वो लिख देंगे साथ के साथ भी रेजिस्टेंस इसकी कितनी कितनी आती है। मैं मल्टीमीटर लेता हूँ और मल्टीमीटर से आपको इसकी रीडिंग चेक करवाता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने रेजिस्टेंस मोड पे कर लिया है। अब इसमें आपको तीन तार ये दिखाई दे रही है, ये पहले वाली जो है ये तार ब्लैक तार है और दूसरी जो बीच में तार है वो रेड तार है और तीसरी ये येलो तार है। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो ये रेड वाली रेड पे प्रोब लगा लेता हूँ और जो ब्लैक तार है उस ब्लैक तार में मैं एक प्रोब लगाता हूँ। तो आप ये रेजिस्टेंस देख लेना कितनी आ रही है, 3-4 के करीबन आ रही है इसकी रेजिस्टेंस। अब मैं ये 4 ओम करीब 3 ओम दिखा रहा है, मैं 4 ओम लिख लेता हूँ भी, 4 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। तो ये किसके किसके बीच में रेजिस्टेंस है, एक तो ब्लैक और एक रेड, ब्लैक और रेड के बीच में मैंने ये प्रोब लगाई है। तो यहाँ 3 ओम 4 ओम 3 ओम 4 ओम दिखा रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये रेड तार है और ये ब्लैक तार है, रेड और ब्लैक के बीच में 4 ओम आया है, ये मैं 4 ओम लिख देता हूँ। और फिर इसी ब्लैक से, इस ब्लैक तार से ये मैं पहले वाला पॉइंट ब्लैक पे ही रखता हूँ और दूसरे वाला पॉइंट ये जो अपने येलो तार है इस पे मैं लगा लेता हूँ मल्टीमीटर को, और ब्लैक और येलो के बीच में मैं देखता हूँ तो रीडिंग कितनी आ रही है, 398-99, 398-99 के करीबन आ रही है। तो मैं 398 ये इसकी लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी ब्लैक और येलो के बीच में 398, 398 ओम आई है इसकी रेजिस्टेंस। अब मैं क्या करता हूँ कि ये रेड और येलो इनके बीच में भी रेजिस्टेंस चेक कर लेता हूँ, इनके बीच में रेजिस्टेंस कितनी है। अब रेड और येलो के बीच में लगाता हूँ तो मेरे पास 403 ओम आ जाता है रेड और येलो के बीच में। अब ये रेड है और ये येलो है, इनके बीच में 403 ओम आई है जी, इनके बीच में 403 ओम आई है, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे मल्टीमीटर से। अब देखो मैं इसी के ऊपर आपको मल्टीमीटर लगा के दिखा रहा हूँ। पहले जो मैंने रीडिंग नोट करी है तो वो एक तो ब्लैक पे मैंने लगाया है और एक ये रेड तार है इस पे मैंने यूं लगाया तो मेरा आया 4 ओम, यानी यहां से यहां तक की इसकी रेजिस्टेंस आई मेरे पास 4 ओम। फिर मैंने ये रेड वाली प्रोब येलो पे लगाई, येलो पे ये येलो है, येलो वाली वाइंडिंग पे लगाई तो येलो वाली वाइंडिंग पे आ गई मेरी 398 ओम। और फिर मैंने इस रेड पे और इस येलो पे लगाया तो यहां मेरी आ गई 403 ओम, यानी यहां से करंट चला तो पहले इस वाइंडिंग से फिर ये करंट यहां से इस वाइंडिंग से, यानी दोनों कॉयलों की रेजिस्टेंस जुड़ गई। अब 398 को आप 4 जोड़ दो इसके अंदर तो कितने हो जाएंगे 402, तो वो लगभग उसी के बराबर आपकी ये रेजिस्टेंस आ गई। इसमें काम करने का तरीका क्या होता है वो और मैं बता देता हूँ। ये तीन तार क्यों दी होती है, मैं इसको एक साइड में कर देता हूँ। तीन तार इसलिए दी होती है कि जब आप इस गीजर को ऑन करते हो तो ऑन करते ही इसमें 3 वोल्ट आएगी, इसमें भी 3 वोल्ट आएगी, पैरेलल में दोनों में 3 वोल्ट आएगी, 3 वोल्ट, और दोनों वाइंडिंग को जो कॉयल है, दोनों कॉयलों का फिर नेगेटिव से कनेक्ट है। तो इसकी क्या है कि पावर जो है, इसकी पावर जो है ये रिले फटाक से ऑन हो जाएगी, ऐसे ये अंदर की तरफ खींच लेगा, ऐसे अंदर की तरफ खींचते ही गैस चालू हो जाएगी, अपना गीजर चालू हो जाएगा। और गीजर चालू होने के बाद जब गीजर ऑन हो जाएगा तो इसमें एक साइड में डब्बी लगी होती है, तो वो क्या करती है कि ये रेड वाली तार है इसको यहां से कट कर देती है, अंदर से डब्बी के अंदर से ही रेड वाली तार को कट कर देती है। तो यहां से अब करंट जाना बंद हो गया, अब इस वाइंडिंग में करंट, इस कॉइल में करंट नहीं जाएगा, अब पॉजिटिव से करंट चलेगा सिर्फ येलो में और येलो से सीधा ब्लैक में आ जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस जो पतली तार होती है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जो मोटी तार होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा और आपकी ये
रिले ऑन ही रहेगी, रिले ऑफ नहीं होगी जब तक आपका गीजर चलता रहेगा, जब तक रिले ऑन ही रहेगी। ये तो स्टार्टिंग के लिए किया हुआ है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि के जो अपने दो सेल लगे हुए हैं, अगर इसी एक ही वाइंडिंग से अगर चालू रखते तो उसमें क्या है, सेल की एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए सिर्फ स्टार्ट करने के लिए ये मोटे वाली तार जो अपने लगाई है, मोटे वाली तार ये यूज करते हैं। और बाद में इसका करंट है जो दोनों सेलों से चलता है वो इस वाइंडिंग से होके चलता रहता है, ये वाइंडिंग कट हो जाती है। तो इसमें क्या है, करंट कम चलेगा तो अपने सेल की एनर्जी कम खर्च होगी, सेल ज़्यादा दिन निकालेंगे, सेल की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये वाइंडिंग इसके साथ में दी जाती है, इसलिए इसमें ये तीन तार होते हैं। आगे मैं इसका पूरा सर्किट बना के दिखाऊंगा, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, कैसे कैसे ये काम करता है, गीजर के बारे में उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो भी मैं बताऊंगा। आज आपको सिर्फ इस कॉयल के बारे में बताया। एक चीज और मैं इसमें और बता देता हूँ आपको, कभी बाजार से ये रिले अगर नहीं लेनी पड़े तो उनको कहना है ये कॉपर वायर, कॉपर की दे देना जी, कॉपर वायर, ये वाइंडिंग जो होनी चाहिए कॉपर की होनी चाहिए। अब इसमें दिखाऊंगा तो आपको ये देखो, ये कॉपर की नहीं है, ये एल्युमिनियम की तार है, जो बड़े वाली तार है वो एल्युमिनियम लगा देते हैं। एल्युमिनियम से क्या होता है कि यहाँ जब तार ज्वाइंट करते हैं, ये जो तार ज्वाइंट करते हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इनका ज्वाइंट टूट जाता है जल्दी एल्युमिनियम के साथ। तो इसलिए हमेशा ही बाजार से जब भी कॉइल लो तो उनको कॉपर की वायर, इसके ऊपर जो पतली वायर अपने आती है पतली वायर लगाते हैं, ये हमेशा ही कॉपर की होगी। बड़े वाली तार है ये, बाजार में दो तरह के आपके रिले मिलेगी, एक में ये कॉपर वायर होगी जिसमें आप जो छील के देखोगे तो नीचे इसके ऊपर कहीं नहीं लिखा होता है ये कॉपर वाइंडिंग की है या एल्युमिनियम वाइंडिंग की है। तो जो एल्युमिनियम वाइंडिंग की होती है वो सस्ती मिल जाती है, बाजार से अपने ले आते हैं, और अगर इसका कलर ऊपर से उतारते हैं तो नीचे ये स्पेस पे दिखने लग जाता है। ये एल्युमिनियम वायर है, एल्युमिनियम वायर की क्या है, रिले ज़्यादा दिन काम नहीं करती, जल्दी खराब हो जाती है, अगर बार बार ये लगाओगे तो आपकी जल्दी खराब होती रहेगी। इसलिए जहाँ से खरीदो उसको पहले ही बोल दो जी हमें तो कॉपर वाइंडिंग की ये रिले दे दो, कॉपर वाइंडिंग के लिए वो रिले लोगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। ये जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।